हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण में नया टॉपिक करवा रही हूँ, वर्ण विचार है। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वर्ण के बारे में बताना चाहूँगी कि वर्ण होते क्या हैं। कोई नया टॉपिक नहीं है, ठीक है। वर्ण हमेशा से आप पढ़ते आए हैं। तो वर्ण होते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उससे छोटा कुछ नहीं होता। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उनको हम वर्ण कहते हैं। जैसे बच्चों, मैं एक वाक्य लिख रही हूँ, राम खाना खाता है। ठीक है, राम खाना खाता है, ये क्या है? एक वाक्य। हम किसी को भी अपनी बात कैसे कहते हैं? वाक्य के रूप में। लेकिन जो ये वाक्य है, ये बना कैसे? अलग अलग शब्दों को जब हमने मिलाया, राम खाना खाता है, हमने अलग अलग शब्दों को मिलाया तो एक वाक्य बना। लेकिन जो ये एक शब्द है राम, ये कैसे बना? ये अलग अलग अक्षरों से मिलकर बना है। जैसे रे, रे के अंदर हमने क्या मिलाया? आ, तो रा बना। फिर हमने मैं लिखा, फिर मैं के अंदर ए मिलाया तो मैं बना। तो इस तरह से हमारा पूरा राम बना। ठीक है, तो ये जो राम शब्द है, ये इन अक्षरों को मिलाने पर बना है। और क्या इन अक्षरों को और छोटा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते बच्चों। तो ये है वर्ण। जो अक्षर होते हैं उनको ही हम वर्ण कहते हैं। तो ये जो वर्ण होते हैं, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इनके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो अब अगर परिभाषा के तौर पर मैं आपको बताऊं कि वर्ण क्या होते हैं, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर आपका टॉपिक है बच्चों, वर्ण विचार है। यहाँ हम बताएंगे कि आपकी संस्कृत भाषा में कितने वर्ण होते हैं, उनके कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग में कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, तो देखिए, संस्कृते इदानीं अष्टचत्वारिंशत् वर्णानां प्रयोगः भवति। संस्कृत भाषा में 48 वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जबकि हम हिंदी में आपको 46 वर्ण बताते हैं। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ताः सन्ति। जो ये 48 वर्ण हैं बच्चों, संस्कृत में ये तीन भागों में बटे हुए हैं। नंबर एक स्वरः, मतलब स्वर। नंबर दो व्यंजनानि, मतलब व्यंजन। और नंबर तीन है अयोगवाहश्चेति, मतलब अयोगवाह, इति मतलब ये। ठीक है, तीन भाग कौन कौन से हैं? स्वर हैं बच्चों, व्यंजन है और अयोगवाह है। अब इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आता है बच्चों स्वरः। स्वर, स्वर क्या होते हैं? भाषा में वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें कहते हैं बच्चों हम स्वर। ये हैं आपके 13, हिंदी में आप करते हैं 11 स्वर। ठीक है, लेकिन संस्कृत में हम कितने स्वर करेंगे? 13 हैं। दो स्वर आपके एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो उन जो ये 13 स्वर हैं, उनको दो भागों में विभक्त किया गया है, बाँटा गया है। नंबर एक ह्रस्व स्वर और नंबर दो है आपका दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर हैं वो टोटल 5 हैं और जो दीर्घ स्वर हैं वो टोटल 8 हैं। दोनों को मिलाएंगे तो टोटल 13 स्वर हो गए। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों को या जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बच्चों बड़ा। ठीक है, तो इनसे बड़े हैं ये, इसलिए समय भी अधिक लगेगा बोलने में। तो 5 कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं? ए, ई, ऊ, री और लरी। ये जो लरी है, ये बच्चों आपका हिंदी में नहीं होता है। आपके ये ह्रस्व स्वर में 4 ही स्वर होते हैं हिंदी में, इसमें 5 है। ये लरी अन्य है उनसे। ठीक है, तो और दीर्घ में 8 कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री। अब देखो बच्चों, यहाँ पर री यहाँ भी था और यहाँ भी है। अब अंतर क्या है? ये छोटी री बोली जाती है, ठीक है, संस्कृत में, और इसको हम बड़ी री कहते हैं। तो आ, ई, उ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ, टोटल हो गए आपके 8 स्वर। तो इस तरह से दोनों स्वरों को मिलाकर हमारे 13 स्वर बन गए। अगला टॉपिक है आपका व्यंजन। व्यंजन कितने लिखे हैं मैंने यहाँ पर? 33 व्यंजन लिखे हैं। ठीक है ना बेटा,
तो व्यंजन क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वे वर्ण या वे अक्षर जिनको बोलने के लिए इन स्वरों की, ये जो आपके पास स्वर है, इनकी सहायता लेनी पड़ती है। जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। ये टोटल 33 है। अब ये जो 33 आपके व्यंजन हैं बच्चों, ये भी दो भागों में बटे हुए हैं। एक है आपका वर्गीय व्यंजन और दूसरा है आपका अवर्गीय व्यंजन। जो वर्गीय व्यंजन होता है बच्चों, वो टोटल 25 होते हैं और अवर्गीय व्यंजन टोटल 8 होते हैं। अब ये 25 जो आपके वर्गीय व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहला है आपका क वर्ग, फिर है च वर्ग, देखिए ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन सब के पीछे मैंने वर्ग लिखा है क्योंकि ये वर्गीय व्यंजन है। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ ड, हो गए ना 5। ऐसे ही च वर्ग में च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, फिर त वर्ग त थ द ध न, और फिर आया आपका प वर्ग, प फ ब भ म। ये प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है और टोटल आपके वर्ग भी 5 है, तो टोटल मिलाकर आपके वर्गीय व्यंजन हो गए बच्चों 25। एक इस वर्गीय व्यंजन में एक और बात है बच्चों, देखो सभी वर्णों के नीचे मैंने हलंत लगाया है, ध्यान से देखना, सभी के नीचे हलंत लगाया गया है। कारण, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो कंप्लीट नहीं, वर्ण नहीं होते हैं, ठीक है। उनको कंप्लीट करने के लिए अभी बताया था कि स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब तक इनके अंदर हम स्वर नहीं मिलाते हैं, ये कंप्लीट नहीं होते हैं। बात आई समझ में? तो ये हो गया आपका वर्गीय व्यंजन। अब आते हैं बच्चों हम अवर्गीय व्यंजन पर। टोटल कितने बताए हमने? 8। ये भी दो भागों में बटे हुए हैं, अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ भी 4 वर्ण होते हैं और ऊष्म में भी 4 वर्ण होते हैं। अंतस्थ में य र ल व, हलंत देखो सब में लगा है क्योंकि ये व्यंजन है, कंप्लीट नहीं है, इसलिए इनके नीचे हलंत रहेगा, ठीक है। उसके बाद है ऊष्म में श श स ह, ये 4 वर्ण है बच्चों, ठीक है। ये भी हलंत वाले हैं, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है जब तक इनके अंदर हम स्वर मिक्स नहीं करेंगे। तो व्यंजन का टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आता है तीसरा, अयोगवाह। अभी मैंने बताया ऊपर कि जो आपके स्वर होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं, 2 हम पढ़ चुके हैं, स्वर और व्यंजन। अब तीसरा है आपका अयोगवाह। अयोगवाह में 2 वर्ण होते हैं बच्चों, एक अनुस्वार होता है और एक होता है बच्चों आपका विसर्ग। जो आप अंक की बिंदी लगाते हो, किसी भी शब्द में आप अंक की बिंदी का प्रयोग करते हैं, वो आपका अनुस्वार होता है। क्या होता है बच्चों? अनुस्वार। जब हम ये आपके पूरे अनार ये पढ़ते हैं 12 खड़ी पूरी, तो उसमें एक वर्ण होता है अंग अंगूर, जिसे आप पढ़ते हैं, ठीक है, अंग अंगूर। ये इसको हम किस रूप में प्रयोग करते हैं भाषा में? अंग की बिंदी के रूप में, ठीक है। इसको हम कहते हैं बच्चों अनुस्वार। फिर आता है एक आपका अह है, अंग अंगूर के बाद एक वर्ण आता है अह है। इस तरह से नहीं लिखते उसको कभी हम, इसका जो साइन होता है ये, इसे हम विसर्ग कहते हैं। किसी भी शब्द के बाद 2 बिंदु आते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। तो ये अह है जो वर्ण है, ये विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये 2 चीज़ हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये होते हैं अयोगवाह। तो इस तरह से बच्चों टोटल 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह, टोटल मिलाकर आपके 48 वर्ण हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये वर्ण विचार का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको उच्चारण स्थान करवाऊँगी, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी बच्चों, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले वर्ण, ठीक है। वर्ण कितने होते हैं? इसमें 48 होते हैं, 3 भागों में वो बटे होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, ठीक है। स्वर 13 होते हैं जो 2 भागों में बटे होते हैं, ऋष स्वर और दीर्घ स्वर। ऋष स्वर 5 होते हैं, ए ई ऊ रि और लरी, और ऐसे ही दीर्घ स्वर 8 होते हैं बच्चों, आ ई ऊ रि ए ऐ ओ औ। उसके बाद आते हैं बच्चों व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। टोटल 33 होते हैं बच्चों ये। वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन 2 भागों में ये बटे होते हैं।
वर्गीय व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होते हैं। हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, ठीक है, इसलिए ये 25 वर्ण हैं टोटल। अ वर्गीय व्यंजन में 8 वर्ण होते हैं जो दो भागों में बटे हैं, अंतस्थ और ऊष्म, ठीक है। तो य, र, ल, व, ये 4 वर्ण अंतस्थ में आते हैं और ऊष्म में भी 4 हैं, श, श, स, ह। इसके बाद बच्चों अयोगवा होते हैं जो दो होते हैं, एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। जो अंग की बिंदी होती है आपकी अंग अंगूर वाली, वो अनुस्वार होती है, और जो पीछे किसी भी शब्द के पीछे दो डॉट होते हैं, विसर्ग का साइन होता है, वो होता है अह है, जो आप बाराखड़ी में करते हैं वो है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये वर्ण विचार का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ सबको समझ आया होगा। सभी बच्चे इसको अपनी व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। थैंक यू।